साहब और आगे भी आपने महिलाओं का इजहार किया और टाइम पर ही बिरादरी हमारे साथ चल रहा है बीटी है बहुत शुक्रिया इस प्यार और मोहब्बत से आप लोगों ने इस तकरीब में मुझे मदद किया है। सबसे पहले स्टेज पे बैठे सारे काबिले एहतराम मेहमान अमीर अली शाह साहब, उमर साहब, खालिद साहब, हमारे प्रेजिडेंट साहब और बाकी दीगर सारे दोस्त, आप सारों को जिए भुट्टो। अब बात यह है कि आप भी राजपूत, मैं भी राजपूत, या तो अपनी बनेगी नहीं या फिर बहुत ज्यादा बनेगी, ठीक। इसीलिए राजपूती भाषा में आपसे बात करूंगा, शासी बात नहीं करूंगा। ये जो इलेक्शन चल रहा है तो राजपूत लफ्ज जिसपे आप भी फख्र करते हैं और मैं भी फख्र करता हूं, उसका मकसद होता है राजा का बेटा, राजपूत। पर असल लफ्ज जो था वो था रजपूत। रज कहते हैं संस्कृत में मिट्टी, धरती, पूत माने उसका बेटा, मतलब धरती का बेटा। तो फैसला आपको ये करना है कि 18 तारीख को आप किसको वोट देना चाहते हैं। एक शख्स जिसका ज्यादा इस खिते से ताल्लुक नहीं, या वो शख्स जिसने 40 साल रजपूत बन के आप दोस्तों के साथ गुजारे, खुशी में गमी में वो आपके साथ। मुझे यकीन है कि राजपूत रजपूत की तरफ ही खिंचता है, किसी दूसरी की तरफ नहीं जाएगा। और आज हम उसी रजपूत को ही याद कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरती से कामरान साहब ने बोला कि ये इलेक्शन साईं मरहूम अली मदान शाह साहब का, तो उसी की याद में हमें ये बताना है 18 तारीख को कि राजपूत अपने राजपूत भाई को कभी नहीं भूलता है। जो सारी हिंदी हमारे साथ रहा, एक इलेक्शन बिना ये पूछे, बिना ये जाने कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, एक इलेक्शन उस शख्स का जरूर बनता है। वो सिंधी में कहते हैं, धरती धर्म फकीर जो, धरती मूजो मान, धरती सांगड़ धरती थी रहे, भली करे तो साईं भी अगर अपने वालिद साहब की तरह अपना रिश्ता इस धरती और धरती के लोगों से कायम करेंगे तो यकीनन 2023 का इलेक्शन भी अपने बलबूते पे अपनी ताकत से जरूर जीतेंगे। शुक्रिया आप दोस्तों का, मेहरबानी। जिए भुट्टो। Yeah,